टाइटल है प्राण अवस्था, मानव शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव। तो ये वाला चैप्टर एक तरीके से काफी सरल चैप्टर है। इसको अगर देखें तो मुझे लगता है बाबा जी ऑलमोस्ट ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो भी इसमें बता रहे हैं बहुत कुछ इसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं लगेगा ऐसा मुझे लगता है। एक बार इसको साथ में पढ़ लेंगे और इस चैप्टर में अगर देखे एक छोटा सा मैं समरी दे देती हूँ। इस चैप्टर में मानव का शरीर का संरचना और उसके पृष्ठभूमि में जैसे स्वेदज से अंडज से पिंडज ये सारे शरीर बनने का, उसके पृष्ठभूमि में प्राण कोशिका का बनना, उसका पृष्ठभूमि में सारे जो रासायनिक द्रव्य उसका बनना और उसके पृष्ठभूमि में यौगिक क्रिया का बनना, तो इस तरीके के एक तरीके से विकास क्रम का इंट्रोडक्शन रखा है। और मानव का शरीर जितना विकसित होना था वो हुआ है, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव भी जितना अच्छे से वो जी सकता था वो हो चुका है, शरीर स्वस्थता के लिए भी सोचा हुआ है और काम हुआ है, और इसमें यात्रा और इसमें यंत्र से चिकित्सा और आयुर्वेद से चिकित्सा का भी एक छोटा सा तुलना है। फिर मानव को इस उनके यात्रा में अगर देखें, मानव ज्ञान चाहता है, अब आज के दिन भी चाहता है, उसके लिए प्रयास भी किया है, पर इसके लिए प्रमाण नहीं दिखा पाया या प्रमाण नहीं मिल पाया। और शरीर से ही चैतन्यता का उत्पत्ति है ऐसा सोचा गया है और उसी में श्रेष्ठता ढूंढने का भी एक प्रयास हुआ है। तो ये सब एक तरीके से विश्लेषण रखते हुए फाइनली जो मैसेज जो बार बार इस चैप्टर में दिया जा रहा है वो है कि मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, शरीर प्राणावस्था का इकाई है, जीवन अक्षय बल शक्ति संपन्न चैतन्य इकाई है और चैतन्य इकाई शरीर को चलाता है, मानव समझदारी चाहता है, समझदार होकर शरीर को स्वस्थ रखना और ज्ञान संपन्न होकर मानव स्वस्थता पाकर प्रमाणित भी होना चाहता है, और ये जो भाग है ये होना अभी शेष है। मानव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को भी चाहता है, उसमें जीकर प्रमाणित हो सकता है और ऐसे करते हुए अपने मानव आकांक्षा और जीवन आकांक्षा जो दोनों को वो सार्थक बना सकता है। तो आखिरी वाला जो दो पॉइंट है सिर्फ वही बचा है जो करने लायक काम है, बाकी सारा जैसे अस्तित्व में जो विकास क्रम है मानव का शरीर बनने तक और उसमें अच्छे से कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता द्वारा अच्छे से जितना अच्छे से जी सकता था वैसे जी भी चुका है, पर जो मन स्वस्थता वाला भाग है ये बचा है। तो बार बार इस चैप्टर में यही वाला मैसेज दिया जा रहा है। तो चलिए अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ एक एक पैराग्राफ में पढ़ूंगी और अगर उसमें कुछ कुछ स्पष्टता देनी है या अगर मुझे कोई एक वाक्य इम्पॉर्टेंट लगा उसको मैं फिर से दोहराऊंगी, होपफुली ये ठीक रहेगा। तो प्राण अवस्था के मूल में यौगिक विधि प्रवृत्ति स्वयं स्फूर्त विधि से होना पाया जाता है, इसके लिए अनुकूल परिस्थिति के संबंध में अध्ययन किया जाए तो केवल ब्रह्मांडीय किरण और धरती पर अनेक प्रजाति के परमाणुओं से अपने आप से आप में समृद्ध रहना ही पृष्ठभूमि में दिखाई पड़ता है। इस धरती पर यौगिक पृष्ठभूमि के बारे में सोचा जाए तो इससे अधिक कोई कारण नहीं है। ब्रह्मांडीय अनुकूलता बनाए रखने में ब्रह्मांडीय किरण विकिरण ही एकमात्र स्रोत है। आज भी यह चीज इस धरती के वातावरण तक प्रस्तुत ही है। किरण जो कुछ भी पहुंच पाता है वह सब धरती की स्वयं के प्रकाश से अधिक प्रमाणित होते हैं। उसी के साथ साथ ऊष्मा का भी संबंध धरती से बना ही है। धरती एवं धरती में सभी परमाणु प्रभावित है, ऐसी स्थिति में और जो स्रोत है वे विकिरणीय स्रोत ब्रह्मांडीय क्रियाकलापों के प्रभाव स्वरूप अनेक धरतियों से निष्पन्न या प्रसारित विकिरणीयता का संचार ही रहता है। यह अभी भी बना है। इसी के साथ यह धरती अनेक प्रजाति के परमाणुओं से समृद्ध होने के आधार पर इस धरती में भी बहुत सारे विकिरणीय द्रव्य काम कर रहे हैं। इस ढंग से किरण विकिरण ऊष्मा के संयोग से ही संपूर्ण यौगिक क्रिया
होने की पृष्ठभूमि रही है। यौगिक घटनाएं पानी की घटना से चलकर अम्ल और क्षार रूप में यौगिक घटनाएं घटित होने की संभावना की पृष्ठभूमि को स्वीकारा जा सकता है, क्योंकि अभी भी प्रकारांतर से अम्ल क्षार पानी के संयोग से विभिन्न अनुपात क्रम में विभिन्न प्रकार के रासायन द्रव्य तैयार हुआ रहना अपने सम्मुख है। इनके अनुपातों में जो कुछ भी परिवर्तन के लिए सहायक होना है वो कार्बनिक और अन्य प्रजाति के अणु परमाणुओं की सहायता सदा सदा से रही। इस प्रकार अम्ल क्षार और पानी के साथ साथ उक्त अणु परमाणु रासायनिक वस्तु की प्रजातियों की संख्या को बढ़ाने में सहायक होता हुआ पाया जाता है, है ना? तो ये पहला वाला पैराग्राफ था। इसमें मेरा अनुमान है कि प्राण कोशिका बनने का या रासायनिक द्रव्यों का और यौगिक क्रिया के बारे में काफी चर्चा हुई होगी पहले 2-3 चैप्टर में, शायद अजय जैन भैया लिए होंगे उसको। पर ब्रीफली ये पैराग्राफ में ये बता रहे कि एक धरती पर ऊष्मा ब्रह्मांडीय क्रियाकलाप, अनेक धरतियों से प्रसारित विकिरणीयता का संचार जिसको हम कॉस्मिक रेज भी बोलते हैं, इन सब का प्रभाव रहता ही है। और किरण विकिरण ऊष्मा तीनों के संयोग से धरती पे सारा यौगिक क्रिया संपन्न होते हैं। पानी से लेकर अम्ल क्षार बनके इसके संयोग से अलग अलग रेशियो में मिलके कई सारे रासायनिक द्रव्य बनते हैं। तो मूल में देखे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन इनके संयोग से ही सारा जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रासायनिक द्रव्य बनते हैं। और बेसिकली हाइड्रोकार्बन वाले जो बॉन्ड्स के साथ जो संयोग है ये जो बॉन्ड्स बनते हैं मेनली ये इसको ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। जैसे कि सारे अमाइनो एसिड जो आगे जाके वो प्रोटीन उसके बॉन्ड से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, तो बेसिक चार चीजों से ही आगे जाके वो प्राण कोशा बनने के लिए जरूरी तत्व है। तो अभी आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार से इस धरती पर रासायन द्रव्य समृद्ध होने की क्रिया घटित हो रही है। इन रासायन द्रव्यों के योग संयोग से पुष्टि तत्वों रचना तत्वों का निर्माण इस घटना के लिए विकिरणीय किरण और ऊष्मा संयोग के बने रहने से प्रसावित होता हुआ आज के दिन में वैभवित होता हुआ देखने को मिलता है। पुष्टि तत्व और रचना तत्व के योगफल में प्राण सूत्रों की रचना प्रस्तुति कार्यशीलता होता हुआ देखने को मिल रहा है। यही पुष्टि तत्व और रचना तत्व अपने आप में वैभवित होने के रूप में प्राण सूत्र और प्राण सूत्र का रचना यही ऊष्मा संयोग विकिरणीय संयोग से कंपन वश प्राण सूत्रों में रचना विधि सहित श्वसन क्रिया का प्रकाशन होता है। इसके तुरंत बाद ही प्राण कोशाओं का स्वरूप कोशाओं से रचित रचना ऐसे रचनाएं विविध होने के लिए प्राण सूत्रों में रचना विधि की स्वीकृति समझ में आती है। एक प्रकार की रचना अपने में समृद्ध होने के उपरांत दूसरे प्रकार की रचना के लिए प्राण सूत्रों में स्वीकृति फलस्वरूप दूसरे प्रकार की रचनाएं इसी क्रम में अन्य रचनाएं इस धरती पर प्रमाणित हो चुके हैं। ये सब बीज वृक्ष विधि सहित है। इसी क्रम में वनस्पतियों का वैभव क्रम वनस्पतियों की रचना विरचना होने का क्रम और निरंतरता यथा स्थिति के रूप में है। तो इस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है कि इन रासायनिक द्रव्यों के योग संयोग से और फिर से विकिरण किरण ऊष्मा इसके योग संयोग से पुष्टि तत्व रचना तत्व इनके योगफल में प्राण सूत्र की रचना। तो पुष्टि तत्व जो हमने सुना है कई बार बाबा जी के साथ चर्चा में कि पुष्टि तत्व को उन्होंने प्रोटीन कहा और रचना तत्व को हार्मोन। तो बेसिकली सारे जो ये मैटर है ये प्रोटीन से ही बना रहता है, हार्मोन का मूल में भी प्रोटीन ही है। तो इनके योग फल में प्राण सूत्र जिसको हम क्रोमोसोम्स कह सकते हैं जो डीएनए आरएनए है इसकी रचना होती है। अब इन सबके संयोग से ऊष्मा विकिरणीयता पुष्टि तत्व रचना सूत्र जिसमें रचना विधि निहित है जो जेनेटिक कोड है ये निहित है इस सबके संयोग से कंपन व श्वसन क्रिया शुरू होता है। ये सारी चीज साथ में आके अनुकूलतावश कंपन शुरू होके एक कवच बन के यही प्राण कोशा है। तो रचना विधि में स्वीकृति वश रचनाओं में वैरायटी है और एक रचना समृद्ध होने के बाद ही दूसरी रचना बनती है।
और एक क्रम से होता है, और ये इसी को बीज वृक्ष विधि कह रहे हैं, जैसा बीज वैसे वृक्ष। इस आधार पर वनस्पतियों में रचना विरचना देख पाते हैं और परंपरा के रूप में निरंतरता भी बना रहता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ मध्य दर्शन में बोला जा रहा है कि हर जो एक स्टेज है, जैसे प्राण अवस्था, जीव अवस्था, हर स्टेज का एक परंपरा बना रहता है, उसमें निरंतरता रहती है। आगे बढ़ेंगे। विरचित वनस्पतियों का अवशेष ही स्वेदक संसार का आधार बना। आज भी इस बात का परीक्षण कर सकते हैं। वर्षा ऋतु के पहले पत्ते इकट्ठे करके रख ले, वही पत्ते सड़ने के समय में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। ये कीड़े मकोड़े अंडज संसार को तैयार करते हैं। ऐसे अंडज परंपरा में श्रेष्ठता की विधि प्राण कोशाओं में होना स्वाभाविक रहा है, अथवा और श्रेष्ठता और प्रजाति की बात होती रही। अंडज संसार पुष्ट होता हुआ जलचर, भूचर, नवचर रूप में स्थापित होता ही रहा। अंडज संसार ही प्राण कोशाओं से पिंडज संसार की प्राण कोशाएं विकसित हुई। इन पिंडज संसार में अधिकांश भूचर हुए, जबकि अंडज संसार में भूचर, जलचर, खेचर मतलब भी नवचर तीनों हुए। इसमें से अंडज संसार में नवचर अधिक हुए। इसके अनंतर जैसे ही पिंडज संसार आया, भूचर अधिक हुए। नवचर और जलचर में पिंडज न्यून प्रजातियों को मिली। इसके बाद इस क्रम में पिंडज संसार में बहुत प्रजातियां विकसित होते हुए अंतिम प्रजाति के रूप में मानव शरीर रचना की परंपरा विकसित हुई। तो काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन है विकास क्रम में कैसा हुआ, इसको बताया जा रहा है। तो प्राण कोशा बना, फिर आप पहले पहले चैप्टरों में ये भी सुने होंगे कि पहला जो एक ऑर्गेनिज्म बना वो काई, जिसको हम लोग मॉस, फंगस ऐसे भी बोलते हैं। उसके बाद प्राणावस्था के अलग अलग वैरायटी का वनस्पति बना। उसके बाद अगला स्टेप है स्वेदत संसार, जो विरचित वनस्पतियों से बनता है। फिर उसी से अंडत संसार है ना। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो नभचर है, जो आकाश में उड़ने वाले, ये सबसे ज्यादा जो वैरायटी बने अंडत संसार में। और पिंडत संसार में अगर देखे, जो लैंड में जो ऑर्गेनिजम्स हुए, ये पिंडत संसार में भूचर सबसे ज्यादा हुए। ऐसे बहुत प्रजाति हुआ और अंत में मानव शरीर रचना बना। तो बेसिकली इसमें क्रम बता रहे हैं कि अस्तित्व में जो भी रचना प्रकट हुए एक क्रम से हुआ, कोई भी सडन जंप नहीं है। और विज्ञान भी इसी चीज को मानता है और बेसिकली बता रहे हैं कि कोई भी स्टेप, अगला स्टेप होने के लिए पीछे कुछ स्टेप्स या कुछ प्री कंडीशंस या कुछ वातावरण होने से ही अगला वाला बनती है अनुकूलतावश। तो यहाँ भी यही बात हो रही है। और जैसे पहले विज्ञान में ये भी बात हुई थी एबायोजेनेसिस, ये वाला एक थ्योरी आया था कि पदार्थ से ही डायरेक्टली कीड़े मकोड़े बनते हैं, पर आगे जाके अलग अलग प्रकार से शोध ये सब करके, ये सब थ्योरीज आप लोग भी परिचित होंगे, फिर ये वाली बात आई कि नहीं, सेल से ही सेल बनता है। मतलब ये लोग जिस चीज को लाइफ बोलते हैं, लाइफ बिगेट्स लाइफ, तो लाइफ से ही लाइफ बनते हैं, है ना। तो इन लोग भी मानते हैं कि क्रम से ही हर चीज होता है और अनुकूलता रहने से फिर अगले वाली कड़ी उसमें जुड़ती है। तो बेसिकली साइंस या विज्ञान का जो प्रमाण है, कई तरीके से जेनेटिक जो स्टडीज करते हैं और एंथ्रोपोलॉजिकल जो एविडेंस लाते हैं, जैसे फॉसिल्स का या कार्बन डेटिंग का, इससे उनको ये प्रमाण या अंदाजन लगा देते हैं कि ये क्रम कैसा हुआ है। पर यहाँ बाबा जी जो बता रहे, जो डायरेक्टली उन्होंने देखा या बनते हुए देखा, उसको वो रख रहे। आगे बढ़ते हैं। जीवन व शरीर का संयुक्त रूप में मानव परंपरा में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता वश जीवों से भिन्न कार्य गतिविधियां मानव से संपन्न होना शुरू हुई। जैसे पेड़ काट देना, पत्थर को फोड़ देना, मिट्टी को खोद देना,
यहां से प्रारंभ होकर घर बनाना, कपड़ा बनाना, बच्चों को पालने में जीवों से भिन्न तरीके अपनाना, ये स्वयंस्फूर्त की दिशा आता रहा है ना। उसमें से चिन्हित रूप में घर बनाना, कपड़ा बनाना, फसल उत्पादन करना, इन चीजों तक सकारात्मक भाग में आ गए। ये तीनों प्रकार के कृत्य जानवरों से सर्वथा भिन्न हो गए। तो इसमें क्या बता रहे कि कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, ये एक यूनिक जो प्रकटन है मानव में, इसके वजह से मानव जो एक विकसित इकाई है वो अपने जीने में जितना प्रोग्रेस हो सकता है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इन इस दायरे में वो कर चुका है। एंड ये क्लियरली जानवरों से भिन्न है, इसको सभी लोग देख सकते हैं और सभी लोग इसको मानते भी हैं। आगे इसी क्रम में शरीर रचना ज्ञान को पाने का प्रमाण भी साथ साथ चलता रहा। मूल में बताई गई प्राण सूत्र, प्राण कोशा, प्राण सूत्र में रचना विधि क्रम में आदि मानव से अभी मुख्य स्वरूप तक में प्रजाति यथावत रहते हुए श्रेष्ठता जितना भी होना था वो होता आया। इसमें मानव प्रवृत्ति का भी योगदान समाया रहना संभावित है। इस विधि से मानव का उत्थान क्रम श्रृंखला बनी। आज की स्थिति में शरीर रचना ज्ञान, उसकी मूलभूत प्रक्रिया, उसका नाप तोल, रोगों की परीक्षण विधि, दवाइयों का संयोजन, ये सब का सब व्यापार से अनुबंधित हुई या व्यापार के चंगुल में फंस गई। इस विधि से ये पूरा सकारात्मक भाग कुछ लोगों के हाथ में गिरफ्त हो गई। इससे भी सर्वाधिक मानव को असुविधाएं बनी हुई है। इस समस्या से मुक्त होने का सोच विचार चल ही रहे हैं। तो क्या बता रहे कि मेडिकल साइंस में, ये तो सबको पता ही है कि खूब अच्छी तरीके से प्रोग्रेस हुआ है, शोध पूर्वक विकास हुआ है। जो भी सब्जेक्ट है, जैसे शरीर का ज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिसीज, रोगों का वो एपिडेमोलॉजी, फार्मेसी, कुछ ही लोगों के हाथ में ये एक तरीके से आ गया है। जो भी प्रोग्रेस हुआ है, इसका मतलब क्या है कि स्पेशलिटीज बन गई है और इसके साथ स्पेशलिटी के साथ लाभ मानसिकता भी जुड़ गया है। तो मेडिकल साइंस में ही प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि जो जिस मानसिकता के साथ और जो स्पेशलिटी वाली बात है कि कुछ ही लोग इन चीजों को कर पा रहे। पर पॉजिटिव नोट क्या है कि इसके लिए सॉल्यूशन मानव सोच ही रहा है, मानव को भी दिख रहा है और इसके लिए वो सॉल्यूशन भी सोच रहा है। ये भी एक तरीके से प्रोग्रेस ही है, आगे बढ़ने के तरफ ही है। तो प्रधान मुद्दा शरीर रचना में प्राण कोशाओं की प्रवृत्ति। शरीर रचना मूलक में दो प्रजाति के प्राण कोशाओं का उत्सव, फलतः भ्रूण अवस्था से गुजरते हुए शरीर रचना अर्थात अंग अव्यय, हाथ पैर आदि की रचना, 5 महीने पूरा होते तक गर्भाशय में शिशु रचना का पूर्ण होना, शिशु रचना पूर्ण होने में समृद्ध मेदस तंत्र का होना, जीव संसार से अधिक समृद्ध पूर्ण मेदस तंत्र तैयार होना समझ में आता है। इन्हीं अवधि में जीवन का शरीर को संचालित करने के लिए तत्पर होना, इसका संकेत माँ होने वाली नारी को समझ में आना, शिशु जनन के उपरांत उसके संवर्धन के लिए 100 वर्ष पहले जैसे ध्यान देते रहे, 50 वर्ष पहले जैसे ध्यान देते रहे, उससे अधिक सटीक ध्यान आज दे पाना, आज की स्थिति में ये सब मानव के अध्ययन में आता है। तो किस तरीके से और प्रोग्रेस हुआ है इसको बता रहे कि जैसे गर्भाशय में शरीर रचना बनना है ना, दो ही प्राण कोशिकाओं से पूरा शरीर का रचना बनना, मतलब जेनेटिक कोड में एक पूरे शरीर रचना का कोड उसमें है, एक प्रकार से पूरा रचना और विरचना तक उस कोड में बना हुआ है। ऐसे पूरा शरीर रचना, उसके साथ समृद्ध पूर्ण मेधस तंत्र, तो पूरे अस्तित्व में जो सबसे विकसित स्टेट है भौतिक रासायनिक संसार में, वो बनना और 5 महीने के अंदर ये सब कुछ तैयार हो जाना, ये तो एक बहुत ही अद्भुत घटना है और इसको विज्ञान भी मानता है। इनफैक्ट आप अगर जीन्स या जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो जैसे विज्ञान के रिसर्च के अनुसार कैसे जेनेटिक कोड होता है और उससे पूरे एक ऑर्गेनिज्म का संरचना बनता है और उसका विरचना तक पूरा एक डिजाइन जेनेटिक कोड में है, जो कि केवल 2, 3 या 4 केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है, इसको ये फैसिनेटिंग है और अद्भुत है और मानव के
मानव इस चीज को नहीं कर सकता, इसका मतलब है ये रिपीट नहीं कर सकता, ये अस्तित्व या नेचर का ही एक भाग है, ये तो विज्ञान भी मानता है। और इससे ज्यादा फैसिनेटिंग है कि जीवन जो है, चैतन्य क्रिया जो है, वो पांच, वो जो पांचवा महीना है उसमें गर्भ में जो शिशु का शरीर है उसके मेदस तंत्र के साथ जुड़कर स्वीकार करो शरीर को चलाना लगता है। ये उससे अधिक एक अद्भुत घटना लगता है मुझे। और आखिरी में ये पॉइंट बता रहे कि चाइल्ड रेयरिंग में, मतलब बच्चों के देखभाल में भी कितना विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें रचना में विविधता के लिए प्राण सूत्रों में प्रवृत्ति के बारे में जिज्ञासा बनती है, क्यों होता है, कैसे होता है, इस मुद्दे पर सोचने की आवश्यकता मानव में आता ही है। मुख्य मुद्दा रंग और रूप ही है जिसमें विविधता हो पाता है, अंग अवयवों के कोई खास विविधता नहीं हो पाता। इस तथ्य को परीक्षण निरीक्षण पूर्वक समझ चुके हैं। कई प्रकार के रस द्रव्यों को आज का मानव सटीकता से पहचान चुका है। इसका अनुपातिक भिन्न भिन्न प्रयुक्ति के आधार पर शरीर का रंग होना पाया जाता है। कुल मिलाकर रंग शरीर के ऊपरी हिस्से में अर्ध सूखा हुआ प्राण कोशा की स्थिति में रंग का पता लगता है। चमड़े के अंदर जो रक्त होता है सबके शरीर में लाल ही होता है, ऊपरी हिस्से में रंग का पता लगता है। प्राण कोशाएं शुष्क होने के उपरांत जो प्रदर्शन करते हैं इसी को हम रंग के रूप में जान पाते हैं। इसीलिए रंग के आधार पर मानव को पहचाना मानव को पहचानने के अर्थ में सटीक नहीं हुआ, इसलिए परस्पर मानव को सटीक पहचानने का प्रयास जारी रहा है। यह भी सोच सकते हैं बहुत पहले से भी परस्पर पहचानने के लिए रंग प्रधान रहा और कोई आधार खोजते रहे, इसी के साथ नस्ल भी बहुत प्रधान रह गए। काफी समय तक मानव रंग और नस्ल प्रधान विधि से अपना पहचान बनाए रखने के लिए कोशिश किया, अभी भी इसका गवाही जगह जगह मिलता है। यद्यपि मानसिक रूप में इस जगह में से अर्थात पंचानुषंगी पहचान विधि से रंग नस्ल विचार से विचलित हो चुके हैं, है ना। तो ये बता रहे कि मानव के शरीर में जो अंग अवयव है इसमें बहुत विविधता नहीं है, है ना, इस लेवल पे। और रक्त में भी देखे तो उस लेवल पे भी बहुत ज्यादा विविधता नहीं है। जो विविधता जहां कहां दिखता है, ये ऊपरी ऊपरी सरफेस लेवल पे विविधता दिखता है, मतलब रंग में या नस्ल में है। तो वैसे जेनेटिक जो कोड है उसके अनुसार पूरा शरीर बना हुआ है और कोड के अनुसार ही वो डिफरेंसेस है, वो बात तो है ही, पर मुद्दा यह है कि मानव और मानव के बीच में जो परस्पर पहचान है ये कभी भी शरीर रचना के आधार पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो भौतिक रासायनिक एक रचना है और उसमें अंतर पाएंगे ही। तो अगर एक दूसरे को पहचानना है या समानता का अगर आधार ढूंढना है तो हमको इस पर सोचना पड़ेगा कि इसका आधार क्या होगा, है ना। और आखिरी सेंटेंस फिर से पॉजिटिव नोट है कि अब मानव के मानसिकता में यह आ गया है कि सिर्फ इस आधार पर पहचान होना ठीक नहीं है, ये किसी को स्वीकार नहीं होता। तो आधार, सही आधार ढूंढने के लिए जगह बनी हुई है, मतलब उसको स्वीकारने के लिए अब स्पेस है मानव मानसिकता में। इस क्रम में मानव कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को ज्ञान विधा में सार्थक बनाने दौड़ा, तब संसार की विविधता का अध्ययन ना होने की कमजोरी के कारण ज्ञान मीमांसा चाहते हुए ज्ञानी होना चाहते हुए ज्ञानी होने के लिए प्रस्तावित सभी तप साधन योग अभ्यास करते रहे, किंतु प्रमाणित होने की स्थली पर रिक्त रह गए। इसमें सांत्वना पाने के लिए उपाय रूप में शास्त्रों को आधार मान लिया, इस ढंग से धर्म ग्रंथ किताब प्रमाण माना गया। आदमी प्रमाण को प्रस्तुत करने वाला है, इसको स्वीकारा नहीं। ध्यान देने की बात यही है कि ज्ञान विज्ञान विवेक संबंधी प्रमाणों को कोई प्रस्तुत करेगा तो वह मानव ही होगा। इस तथ्य से ज्ञान अभ्यासी संसार को अथवा आगे पीढ़ी को सार्थक प्रमाण दे नहीं पाया। तो यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ध्यान आकर्षण करा रहा है कि मानव ज्ञान के लिए प्रयास किया है ना, खूब तप साधन योगाभ्यास किया, इसमें कोई कमी नहीं है। ज्ञान के लिए चाहत भी था, प्रयास भी रहा, पर प्रमाण की जगह पे अभी रिक्तता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है कि शास्त्रों को ही प्रमाण माना गया, वो खुद ये नहीं स्वीकार पाए कि मानव प्रमाण
हो सकता है, मानव ही प्रमाण हो सकता है, इसको खुद मानव नहीं स्वीकार पाया। तो इतना ही एक्चुअली बेसिक इश्यू है। तो अगर ज्ञान विवेक विज्ञान का कोई प्रमाण प्रस्तुत करेगा तो वो मानव ही होगा, यहाँ इस जगह पे आना पड़ेगा, इसको स्वीकारना पड़ेगा। सहस्तित्ववादी नजरिया में ज्ञान संचार विवेक संचार ही प्रधान मुद्दे के रूप में प्रस्तुत हुई। इसके बिना ब्रह्म के चंगुल से छुटकारा नहीं पाएगा। इसी के लिए लोकव्यापीकरण करने का प्रयोग का शुरुआत में ही ज्ञान विज्ञान विवेक का संपूर्ण अध्ययन, निर्णय लेने का सूत्र, संभावना की व्याख्या, ये सभी चीज विकल्पात्मक प्रस्ताव में समाहित है। यहाँ उल्लेखनीय मुद्दा यही है, चिरकाल से मानव शरीर यात्रा का जिक्र इस धरती पर है। जीवन अपने में शाश्वत रूप में चैतन्य इकाई के रूप में अक्षय शक्ति अक्षय बल के रूप में विद्यमान वर्तमान है ही। यह अनुकूल परिस्थिति बने रहते हुए परिवार में ही क्रमिक संयोग होते आए। सर्वप्रथम मानव ईश्वरीयता ईश्वर ही कर्ता के रूप में शरणागत होने की बात सोची। इसका अंतिम छोर तिरोभाव ही कल्याणमय होने की स्थिति। इसी के लिए सारा ताना बाना, इसमें मानव भरोसा ना पाने के फलस्वरूप भी सुविधा संग्रह की ओर दौड़। यह सब को ना मिलने के आधार पर इसमें तृप्ति बिंदु का अभाव, पुनः विकल्पात्मक स्वीकृतियां, इसी क्रम में सहस्तित्व मानव सम्मुख प्रस्तुत हुई। तो यहाँ क्या बता रहे कि ज्ञान को बोला नहीं जा सकता, ऐसा माना गया, ज्ञान संचार नहीं हो सकता, है ना, इसका कम्युनिकेशन इसका डिसमिनेशन नहीं हो सकता, ये मान लिए, और परिवार और परंपरा से जो मान्यताएं मिली उसको लेकर चला। तो आदर्शवादी मान्यता से भी एक तरीके से तृप्ति नहीं मिला, भौतिकवादी मान्यताओं से एक तरीके से तृप्ति नहीं मिला, और दोनों में झूलते रहे। यहाँ तृप्ति नहीं मिला तो फिर विकट ढूंढे, आदर्शवाद का कोई भाग स्वीकारे, वहां तृप्ति नहीं मिला तो भौतिकवादी की तरफ ढूंढे भागे। तो अब सहस्तित्व को स्वीकारने का जगह पे शायद मानव खड़ा है। सहस्तित्ववाद में ज्ञान संचार हो सकता है, इसमें यह प्रस्ताव है कि ज्ञान का संचार हो सकता है और ज्ञान का लोकव्यापीकरण हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें इसका संपूर्ण अध्ययन हो सकता है, ऐसा वस्तु है, निर्णय लेने का आधार भी प्रस्तुत है, संभावना क्या हो सकती है ये भी प्रस्तावित है। तो इस आधार पर इसका लोकव्यापीकरण हो सकता है, ऐसे बाबा जी इसमें रख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। इसमें विचारणीय बिंदु यही है, प्राण कोशाएं मानव शरीर रचना को बनाने के संबंध में काफी अध्ययन हो चुका है। यह भी मानव स्वीकारने योग्य हो चुका है कि आशा विचार इच्छा पूर्वक प्रमाण और संकल्प पूर्वक जीना ही होगा, यह स्वाभाविक प्रक्रिया में आ चुका है। इसी के आधार पर हम इस बात को परिशीलन करने पर तुले है कि मानव की शरीर रचना में परिवर्तन हुई अथवा क्रियाकलाप में परिवर्तन हुई अथवा ज्ञान विधि में, है ना। तो क्या बता रहे कि अब मानव शरीर रचना पर काफी काम हो चुका है, जो भी साइंस के आधार पर इससे काम हो चुका है, समझकर जीने के लिए अब मानव में नेचुरली एक स्पेस बनी हुई है। तो ये कैसे हुआ अभी भी इस पर तुले हुए हैं, मतलब इस पे अभी निर्णय इस जगह पे निर्णय पे नहीं आ पाए है कि शरीर रचना में बदलाव होने से कुछ बदलाव हुआ मानव में जो विकास हो रहा है ना, या शरीर रचना के फंक्शनिंग में कोई चेंज होने से विकास हुआ, या ज्ञान विधि में, है ना, जो समझने की जो विधि है या ज्ञान विधि है उसमें कोई चेंज होने से विकास हुआ, इस पे अभी निर्णय नहीं हुआ है जनरली मानव मानस में। तो परिशीलन का आधार मानव होगा और जीता हुआ मानव ही होगा। तो इसको परिशीलन करके अगर निर्णय पे पहुंचना है तो जीता हुआ मानव ही होगा। मानव के मरे हुए शरीर के निरीक्षण परीक्षण से इन हड्डी नसों मांसपेशियों का संतुलन कैसे बना रहता है, बिगड़ने पर क्या क्या परेशानी होती है, इसका अध्ययन होता है। किंतु मानव संतुलित रहने के लिए मानसिकता और शरीर इस दोनों के तालमेल आवश्यक है। इस बात को हर ज्ञानी विज्ञानी विशेषज्ञ और सामान्य मानव स्वीकारता है। मानसिकता ही रोग और कष्ट को प्रकट करता है, स्पष्ट करता है। शरीर में जो कुछ परेशानी है, व्यतिरेक है, उसको पहचानने के लिए मानसिकता का प्रयोग आवश्यक है। मानसिकता ही सबको पहचान पाती है, इसके विपरीत यंत्र पहचानते हैं, इसका दावा हम करते हैं।
यहीं से स्वास्थ्य संबंधी मामला यंत्र के अधीन हो गया, जबकि यंत्र किसी एक या एक से अधिक मानव से ही योजित नियोजित उत्पादित वस्तु है। इसमें मानव की मानसिकता नियोजित रहती ही है, जितने अपेक्षा से नियोजित होता है उससे कम में ही यंत्र तैयार हो पाता है। इस बात को हम इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि किसी यंत्र के प्रयोजन को हम गणितीय विधि से 100 आंकते हैं तो उसमें से 75 और उससे कम में ही विश्वास रखना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इस भाग को यंत्र की सुरक्षा का भाग भी माना जाता है। यंत्रों में जो कुछ भी संकेत मिलता है इसको पढ़ने वाला भी मानव ही है, जिसको पढ़ना है अपने मानसिकता सहित ही पढ़ पाता है। आदिकाल से यह माना गया कि बेईमानी के बिना व्यापार चलता नहीं। अगर यही सूत्र हो तो इन सब उपक्रमों की क्या हालत होगी, शोध और सोचने की मुद्दा है। बहुत ही बढ़िया पैराग्राफ है जो पॉइंट्स इसमें निकल के आ रहा है कि परिशीलन भी एक मानव ही करेगा और परिशीलन एक स्वस्थ मानव का ही होगा, है ना, और संतुलित मानव का होगा। मतलब संतुलन में मानसिकता और शरीर दोनों इसमें मिला हुआ है। तो ज्यादातर जो इम्बैलेंसेस होते हैं शरीर में, इसको साइंस या मेडिकल साइंस में भी मानते हैं कि ज्यादातर जो इम्बैलेंसेस होते हैं वो साइकोसोमैटिक होते हैं। मतलब उसके उसमें मन का प्रभाव रहता ही है। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि 95% डिसऑर्डर्स जो होते हैं शरीर में वो साइकोसोमैटिक होता है। पर उसको सिर्फ मशीन से क्या हम नाप पाएंगे अगर ये स्थिति है, है ना। पर आज के दिन ऐसे मानते हैं कि मशीन मतलब जो भी डायग्नोस्टिक्स जो यूज करते हैं। तो ये पॉइंट इसमें बता रहे कि मानव ही मशीन को बनाता है और मानव जितने उसके कल्पना में जितने अपेक्षा से वो बनाता है उससे कम ही शायद वो बन पाता है फाइनली। तो फिर उसका यूजेज, उसका मेंटेनेंस, उसमें मशीन का एरर भी कोई एक भाग है, है ना। और जो आदमी उस रिपोर्ट को उस चीज को पढ़ रहा है वो किस मानसिकता से पढ़ रहा है, तो ह्यूमन एरर भी उसमें आ जाएगा। तो विज्ञान में ये वाली बात है कि ऑब्जर्वर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। कुछ हद तक तो उसको मानते हैं, जैसे डायग्नोस्टिक्स में अगर देखे, जैसे अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो 4-5 लोगों का अल्ट्रासाउंड करने के बाद उस टेक्नीशियन को बोलते हैं कि आप थोड़ा सा जाके चाय पी के आ जाइए या टहल के आ जाइए, क्योंकि एक चीज को मानते हैं कि फटीग होता है ना, ब्रेन थक जाता है बार बार कोई एक रिपोर्ट को देखना, है ना, उसको जांचना, ये कंटिन्यूसली नहीं करना चाहिए, एक ब्रेक लेना चाहिए। तो इतना हद तक तो इस चीज को मानते ही है कि ह्यूमन एफर्ट में वो फटीग आता है और एरर आ सकता है। पर फिर भी अभी भी मशीन या डायग्नोस्टिक से जो रिपोर्ट आता है उसी को फाइनल मानते हैं। तो आगे और इस पर एक और व्यू है, उसको पढ़ते हैं। दूसरी विधा में जो आयुर्वेद है, यूनानी विधि है, ये करीब करीब आधार रूप में एक ही है। नाड़ी और दोष पर धड़कन और धड़कन के ध्वनि को सुनते हुए शरीर के आवाज को सुनने की कोशिश, उसके आधार पर शरीर के कष्ट और व्यतिरेकों का अनुमान, स्वीकृति, उसके आधार पर दवाइयों की योजना, प्रयोग, सफलता पर विश्वास करना होता है, है ना। इस प्रयोग से वांछित परिणाम अर्थात स्वस्थ होने की स्थिति में रोग स्वरूप का निर्धारण किया गया था जिसके आधार पर दवा नियोजित की थी। इस प्रक्रिया में विश्वास का उपार्जन, इस क्रम को कर्म अभ्यास का नाम दिया गया। तो इसको आयुर्वेद में कैसे करते इसको अगर देखेंगे तो आदमी ही आदमी को पढ़ता है, मतलब मानव ही मानव को पढ़ता है, जीवन ही जीवन को पढ़ता है। तो तदाकार होके पढ़ता है क्योंकि जीवन में तदाकार होने की एक प्रक्रिया है। तो पर इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि इसमें एरर नहीं हो सकता, इसमें भी शायद एरर हो ही सकता है ना, उसका मानसिकता इसमें जुड़ता ही है। पर अभ्यास वाली एक बात जरूर है ना, तो सफलता हुई तो उस पर विश्वास बनती है। तो प्रयोग करते हैं और सफलता होते हैं इसमें विश्वास बनती है और फिर अभ्यास करते हैं और एक स्वस्थ शरीर के आधार पर ही रोग को पहचानते हैं और इसके आधार पर ही फिर मेडिसिन को तैयार करना, मेडिसिन देना और इस पूरे प्रक्रिया में विश्वास रखना और जो उसका सफलता मिलती है ये सब मिला के उसको कर्माभ्यास बोल रहे हैं। तो एक तरीके से मॉडर्न मेडिसिन में भी अगर देखें तो ऐसा ही है कि नॉर्मल जो एक स्वस्थ
आदमी में जो ब्लड पैरामीटर्स है जैसे हीमोग्लोबिन है या वाइट ब्लड सेल्स है जो भी है उसके आधार पर ही उसके तुलना में जो जिसको बीमारी है उनमें ये सारा टेस्ट करके उसमें कमी पहचानते हैं। तो यहाँ तक तो सिमिलर है ना, जो भी इंडिकेटर्स है और डिसीज इंडिकेटर्स है। तो इसमें भी आयुर्वेद में भी ये हो सकता है कि मानसिकता ठीक नहीं है और नाड़ी को ठीक से नहीं पढ़ पाए, एरर भी हो सकता है, पढ़ने में गलती भी हो सकता है। पर मुख्य मुद्दा यह है कि जीवन क्योंकि तदाकार होने की एबिलिटी है और जीवन ज्यादा सूक्ष्म वस्तु है, ज्यादा ट्यूनिंग हो पाता है जीवन जीवन या मानव मानव के साथ तदाकार हो सकता है और अभ्यास के साथ शायद एरर कम हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद विधि से उसकी कई विधि से रोग के बलाबल को पहचानना, उसी के अनुसार औषधि को पहचानना, वन औषधि के रूप में, खनिजों के रूप में, जीवों से उपलब्ध औषधि के रूप में पहचानना, इनका योग संयोग परिपाक विधि से औषधि के बलाबल को पहचानना, रोग से अधिक बलशाली औषधि का प्रयोग करना, यही कर्म अभ्यास रोग को पहचानने से रोग चिकित्सा तक अनुशासित रहना पाया जाता है। इसमें मूल मुद्दा यही है, हर आयुर्वेदज्ञ को परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। फलस्वरूप रोगों को पहचानना, औषधियों को पहचानना, रोगों के बलाबल को पहचानना, औषधियों को बलाबल को पहचानना, पथ्य परहेज को पहचानना, अनुपान को पहचानना। तो इसके सम्मिलित रूप में जो प्रयोग कर पाते हैं इसे ही कर्म अभ्यास कहते हैं। ये पूरा का पूरा ज्ञान विज्ञान विधि से चलकर अनुपान पथ्य परहेज तक पहुंच पाते हैं। इसके फल परिणाम के आधार पर परंपरा के रूप में प्रमाण तक पहुंच पाते हैं। तो मुख्य मुद्दा क्या है कि रोग का बलाबल और दवाइयों का बलाबल, उसके साथ अनुपान किस रेशियो में और फिर किस चीज के साथ, जैसे शहद के साथ या पानी के साथ, गुनगुना पानी के साथ, किस चीज के साथ उसका योग है ना, और परहेज। तो ये सारा करते हुए बताते हुए और व्यक्ति भी उसकी स्वीकृति में इन सारी चीज को करता है और वो ठीक भी होता है, इसका तृप्ति वैद्य को मिलता है। तो ये सारा ही मिला के कर्म अभ्यास बोल रहे हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन, आज की मॉडर्न मेडिसिन में अगर देखें तो काफी कुछ जो विकास हुआ है मेडिकल साइंस में ये सब अच्छा ही हुआ है। जो सारा उनका इमरजेंसी केयर है, डायग्नोस्टिक्स है, इमीडिएट रिलीफ वाला, इमरजेंसी सर्जरी वाला, ये सब बढ़िया सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है। पर शायद प्रॉब्लम ये हो सकता है, शायद जो दवाई जैसे बना हुआ है ना, कुछ दवाइयों को वो नेचर से ही एक्सट्रैक्ट करता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उन दवाइयों को लेने में कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लगता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो नेचर से एक्सट्रैक्ट करके उसी को डुप्लीकेट करके सिंथेसाइज करते हैं अलग से लैब में, हो सकता है उसमें कुछ तकलीफ हो, या हो सकता है कि वो ज्यादा मात्रा दे दे रहे हैं उसका, मतलब जितना मात्रा में वो काम करता है या जिन चीजों के साथ वो नेचर में संयोग से जो काम करता है वो ना होते हुए उसका मात्रा ज्यादा हो जा रहा है, शायद हो सकता है कि वो प्रॉब्लम हो। और स्पेशली कुछ चीजें जैसे जो सिंथेटिक हार्मोन्स जो बनाते हैं और उसको दवाई के रूप में जो प्रयोग करते ये सारा प्रॉब्लम करता है। तो एक तरीके से इस पेज में थोड़ा सा तुलना है कि आयुर्वेदिक विधि में कर्म अभ्यास कैसा हो सकता है मानव शरीर को संरचना को बना के रखने में। तो इसमें मूल मुद्दा यही है, समझदार मानव परंपरा के उपरांत, तो समझदार मानव परंपरा में कैसा होगा, जितने भी ज्ञान विज्ञान विवेक सहित किया गया कर्म अभ्यास स्वास्थ्य संयम विधा में लोकव्यापीकरण करने के पक्ष में ही कार्य करता हुआ परिवर्तित होता हुआ देखने को मिलता है। दूसरे भाषा से समझदार मानव परंपरा मानवीयता विधि से जीने के उपक्रमों निष्ठाओं का वैभव ही लोकव्यापीकरण के पक्ष में उदित हो पाता है। समझदार मानव से अस्तित्ववादी विधि से ज्ञान विज्ञान विवेक से संपन्न मानव व्यक्तिवादी ना होकर परिवार से सार्वभौम व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी से संपन्न हुआ रहता है। इसीलिए अखंड समाज के अर्थ में ही कार्य व्यवहार विन्यास होना पाया जाता है।
अर्थात ऐसे समझदार मानव सामाजिक होना, सर्व शुभ को चाहना, सर्व शुभ के लिए स्वयं को प्रवर्तित रखना, प्रमाण होने का उम्मीद रखना, इसके लिए अभ्यास करना, स्वाभाविक होना पाया जाता है। यहाँ उल्लेखनीय बिंदु यही है कि सहस्तित्ववादी नजरिया से समझदार मानव का बहुमुखी उपयोगी होना देखा गया है। तो ऐसे चाहत हर मानव में है ही, इसीलिए ऐसे वैभव सार्थक होने की संभावना समझ में आती है। तो एक समझदार परंपरा में कैसा होगा, मानव परंपरा में, तो स्वास्थ्य संयम का समझ होगा और उसका लोकव्यापीकरण भी होगा और इसमें व्यक्तिवादिता नहीं होगी और समझदार परंपरा में बहुमुखी उपयोगी रहेगा। जैसे शायद स्पेशलाइजेशन वाली बात उतनी नहीं रहेगी, है ना। स्पेशलाइजेशन में आदमी का सोच संकीर्ण हो सकता है और एक ही नजर से हर चीज को देखना शायद ऐसा हो जाता है। और एक और चीज है कि उसका जो उपयोगिता है, अगर वो सिर्फ एक ही स्पेशलाइजेशन में अपने आप को देख पाता है तो उसकी उपयोगिता को पूरे व्यवस्था के साथ शायद नहीं देख पाएगा। पर अगर समझदार मानव परंपरा में पूरे शरीर संरचना को और मानव मानसिकता के साथ उसको कैसे देखना है, पढ़ना है, ये वाले ज्ञान के साथ वो लोकव्यापीकरण हो सकता है, ऐसे इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। और बहुआयाम में भागीदारी आवश्यक है, इसका अगले पैराग्राफ में भी थोड़ा आगे बता रहे हैं। समझदारी के साथ मानव का स्वास्थ्य संयम विधा में भागीदारी करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके साथ ही शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कार्यों में भागीदारी करना सभी समझदार मानव का कर्तव्य एवं दायित्व हो पाता है। समझदारी के साथ कर्तव्य और दायित्व स्वीकृति सहज रूप में प्रमाणित हो जाता है। समझदारी के अनंतर अर्थात सहस्तित्ववादी ज्ञान, विज्ञान, विवेक, संपन्नता के उपरांत दायित्व और कर्तव्य को स्वीकारने में देरी होती ही नहीं, यह स्वयंस्फूर्त विधि से प्रमाणित होती, प्रकट होती है। इन सबको भली प्रकार से परीक्षण निरीक्षण कर निश्चित किया गया है। हर नर नारी इसको परीक्षण पूर्वक सत्यापित कर सकते हैं। यह मानव परंपरा के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा रही है। तो ये बता रहे कि पांचों आयाम में भागीदारी ना, अगर पांच परिवार में रहते हुए पांचों आयाम जो उत्पादन, न्याय और विनिमय, स्वास्थ्य संयम और शिक्षा, तो पांच आयाम में भागीदारी होने से परिवार में दायित्व और कर्तव्यों का पहचान हो पाता है, दायित्व कर्तव्य स्पष्ट होता है और परिवार में हर सदस्य का एक रोल निश्चित होता है। तो पांच आयाम के अंतर्गत सबके लिए कोई निश्चित कार्यक्रम रहेगा ये। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये नेचुरली डिफाइंड है, ऐसा नहीं कि तो मेन मुद्दा इस चीज में जो बाबा जी बता रहे कि मानव जरूर उस चीज को पहचानेगा और मानव ही करेगा, निर्वाह करेगा, पर सारे जो नियम है वो अस्तित्व सहज रहेंगे। एक तरीके से ये नेचुरली है, जो परिवार में तीन पीढ़ियों का रहना, फिर उत्पादन, विनिमय, न्याय कार्यों में सभी सदस्य जुड़ना, तो उन सब का रोल एक तरीके से डिफाइन रहता है, दायित्व कर्तव्य डिफाइन रहता है। तो आगे देखते हैं, हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में प्रकाशमान विद्यमान है। हर मानव अपने स्वीकृति के आधार पर ही निर्णय लेकर जीता रहता है। ऐसे विचार पूर्वक निर्णय लेने के मूल में ज्ञान, विज्ञान, विवेक के संतुलन को अनुभव करना, स्वीकार करना, प्रमाणित करने के लिए प्रवृत्त होना और प्रमाणित करना, प्रमाणित करने का क्रम और प्रक्रिया समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में ही होना पाया जाता है। ऐसे प्रमाण परंपरा पीढ़ी से पीढ़ी आश्वस्त, विश्वस्त होने के लिए प्रेरक होती ही है। ऐसे आश्वस्त सदा सदा मानव परंपरा में बनी ही रहती है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि प्रमाण की आवश्यकता मानव परंपरा में हमेशा रहा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा, है ना। हर मानव प्रमाण चाहता ही है, छोटे से छोटे बच्चा भी प्रमाण चाहता है और प्रमाण के आधार पर ही बच्चा भी स्वीकारता है, तो एक नेचुरल फिनोमिनन है ना। तो इसी के आधार पर विश्वास बनता है और स्वीकारना भी बनता है। उक्त विधि से परीक्षण निरीक्षण करने पर पता चलता है कि जीवन के आधार पर शरीर का संचालन हो पाता है, ना कि जीवन का संचालन शरीर के अनुसार।
इसे ऐसा भी स्पष्ट किया जा सकता है कि समझदार मानव अपने समझदारी के अनुसार शरीर को संचालित करता हुआ देखने को मिलता है और समझदारी मानव का वर है, अधिकार है, वर्चस्व है, इसलिए समझदारी सर्ववांछित लक्ष्य है। समझदार मानव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में ही हर कार्य व्यवहार विचारों को प्रस्तुत कर पाता है। इसके फल परिणाम में जीवनापेक्षा मानव अपेक्षा सफल हो पाता है। इसीलिए मानव लक्ष्य को पहचानने के उपरांत उसकी सार्थकता के अर्थ में जितने ही कार्य विन्यास होते हैं, कृत कार्य तनुमोदित भेदों से कार्यों का फल परिणाम मानव लक्ष्य को प्रमाणित करने की स्थिति में व्यवस्था में जीना स्वाभाविक है। इसीलिए समझदार मानव के अध्ययन से यही स्पष्ट होता है कि समझदार मानव जीवन अनुसार शरीर को चलाता है। दूसरी भाषा में, समझ के आधार पर शरीर संचालित होता है, अतएव इस पर हम विश्वास कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। जागृति के उपरांत जीवन का वैभव शरीर के द्वारा मानव परंपरा में प्रमाणित हो पाता है। यह परंपरा के लिए समाधान का प्रवाह है। समाधान प्रवाह में ही मानव परंपरा का वैभव मौलिक रूप में प्रमाणित हो जाता है। इसमें हर समझदार मानव भागीदारी करने के लिए इच्छुक है ही, इसीलिए हर मानव समझदार होना ही चाहता है। इस प्रकार से हर मानव के समझदार होने का लोकव्यापीकरण की संभावना समीचीन है। तो आगे ये बता रहे कि लोकव्यापीकरण की संभावना समीचीन है, ये कैसा है? तो समझदार मानव जीवन अनुसार शरीर को चलाता है और उसका समाधान सबके लिए प्रवाह के रूप में रहता ही है, और हर जीवन समझना चाहता है, हर मानव समझना चाहता है और समाधान चाहता ही है। तो समाधानित होके ही भागीदारी कर पाता है, इसी में तृप्ति है। जो भी कार्यक्रम बनाएगा तो जीवन के आवश्यकता पे आधारित रहेगा सारा जो कार्यक्रम प्लान करेगा, ना कि शरीर की आवश्यकता के ऊपर। तो मानव समझदार होना चाहता है और वस्तु भी उपलब्ध है, तो इसीलिए लोकव्यापीकरण की संभावना है। जो कि पहले अगर परंपरा में देखे तो ऐसा था कि ज्ञान तो ज्ञान के बारे में बोला नहीं जा सकता, ज्ञान संचार नहीं हो सकता, ज्ञान का लोकव्यापीकरण तो दूर की बात है। पर यहाँ बाबा जी ये बोल रहे हैं क्योंकि हर जीवन हर मानव समझना चाहता है और अभी समझने के लिए वस्तु भी उपलब्ध है, तो इस अर्थ में लोकव्यापीकरण संभव है। आगे बढ़ते हैं। इस बात पर हम पहले से स्पष्ट कर चुके हैं कि पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था, प्राण अवस्था से जीव अवस्था समृद्ध होने के उपरांत ही मानव का अवतरण इस धरती पर हुआ। अवतरण के मूल में प्राण सूत्र में रचना विधि में गुणात्मक परिवर्तन होना, यह परिवर्तन उत्सव विधि से संपन्न होना, फलस्वरूप मानव का अवतरण विभिन्न देश काल परिस्थिति के अनुसार जीवों से भिन्न समृद्ध मेदस संपन्न जीव शरीरों से निष्पन्न होने की बात स्पष्ट की। निष्पन्न होने के उपरांत मानव में मौलिक अभिव्यक्ति जीवों से भिन्न कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता ही रहा, यह आदि मानव में भी रहा, अभी भी है। इसके प्रयोग क्रम में परंपरा में जो कुछ भी ज्ञान हुआ, उपलब्धि हुई, वह स्वाभाविक रूप से परंपरा ने अपनाया है। इस बीच उपयोगिता को स्वीकारा है, निरर्थकता को छोड़ दिया है। इस विधि से मानव की कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता का शोध होता आया है। इस विधि से शरीर रचना का यथावत रहना, अर्थात जितने बार भी दोहराया जा रहा है अथवा पीढ़ी से पीढ़ी हो रहा है, शरीर रचना स्वरूप और शरीर रचना के मूल में जो सप्त धातु, इनका तालमेल यथावत बना ही रहा है। इन सभी गवाहियों के आधार पर हजारों वर्ष, लाखों वर्ष बीतने के बाद भी शरीर में समाहित द्रव्य गुण रचना विधि अंग प्रत्यंग और अव्यय भी यथावत ही है। मेदस तंत्र सदा सदा कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को पांचों संवेदनाओं द्वारा, पांचों प्रकार के कर्म इंद्रियों द्वारा स्पष्ट करना होता ही आया है। पहले से ही कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति बिंदु को पाने की परिकल्पना प्रयास भी करते ही आया, अब भी वह यथावत बनी हुई है। इन्हीं स्पष्ट स्थिति के आधार पर मानव अपने में परिभाषा के अनुसार अनाकार को साकार करने में सर्वाधिक सफल हो गया है। मन स्वस्थता का पक्ष यथावत रिक्त पड़ा हुआ है, यही आज की शोध का महत्वपूर्ण बिंदु है।
मन स्वस्थता की वीरानी आबाद हो जाए, यही मुख्य मुद्दा है। सर्व शुभ कल्पना का आधार भी इतना ही है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया रखा है इसमें। तो फिर से यह दोहरा रहा है कि प्राण सूत्र में निहित जो रचना विधि है उसमें परिवर्तन के कारण अलग अलग प्रजाति बनते हैं, अलग अलग रचनाएं बने हैं और मानव शरीर भी बना है और पूर्ण समृद्ध मेदस तंत्र भी बना है। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता जो है ये मानव में मौलिक एक प्रकाशन है। तो पूरे हिस्ट्री को अगर देखें, जिन चीजों का मानव के हिस्ट्री में जिन चीजों का उपयोग माना गया उसको स्वीकारा गया और जो अनुपयोगी माना गया, जो निरर्थक माना गया, उसको छोड़ दिया है। तो कल्पनाशीलतावश शोध होता रहा है, कर्म स्वतंत्रतावश प्रमाण साकार करते आया है मानव, पर शरीर रचना यथावत रहा है। तो इसका मतलब है कि शरीर रचना में कोई अंतर होने से मानव के कल्पनाशीलतावश कर्म स्वतंत्रतावश जो भी प्रोग्रेस हुआ है वो शरीर रचना में बदलाव होने से नहीं है, वो चैतन्य इकाई में कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। तो जितना भी शोध हुआ, जितना भी डेवलपमेंट होना था वो शरीर के भाग में वो हो चुका है, अब उसमें कोई डेवलपमेंट होने की गुंजाइश नहीं है। पर मन स्वस्थता वाली जो बात है, तृप्ति वाली जो बात है, यहाँ शोध की आवश्यकता है। ये शोध का मुद्दा बन सकता है क्योंकि हम अभी वहां तक पहुंचे नहीं है और ये हर मानव इसको चाहता है। तो इस 20वीं शताब्दी के आगे मैं पढ़ रही हूँ, इस 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक जो मनाकार को साकार करने की विधा सर्वाधिक प्रमाणित हुई है, इसके मूल में जीवन सच कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता में परिमार्जन होना है, ना कि शरीर में। तो भौतिकवाद के अनुसार शरीर रचना के अनुसार चेतना निष्पत्ति होती है, ऐसा वास्तव में हुआ नहीं है। इसी आधार पर बड़ी जोड़ तोड़ से शरीर परिवर्तन के बारे में, रचना परिवर्तन के बारे में शोध करते करते शरीर रचना विशेषता क्षत विक्षित होकर प्रश्नों की झड़ी से दब गया है, जिसके ऊपर नोबेल पुरस्कार का भी निर्धारण हो चुका है। इस मुद्दे की सार्थकता प्रमाण उज्जवल भविष्य की संभावना को प्रस्तुत करने में सर्वथा असफल रहा। थोड़े समय पहले से ही शरीर रचना विज्ञान के अनुसार रक्त की प्रजातियों की संख्या निश्चित हो गई, बाकी सब पहले से ही निश्चित थी। सभी मानव में मेदस तंत्र सब में समान है यह भी पता लग गया। इसमें जाति, मत, संप्रदाय और रंग, नस्ल, भाषा, देश, काल की कोई दखल अंदाजी नहीं है। ये सभी निष्कर्ष शरीर रचना के अनुसार चेतना बहती है ऐसा जो सोचते रहे वह गलत सिद्ध हो चुकी है। इसी आधार पर क्लोनिंग तकनीकी की मूल मान्यता है कि एक मेधावी व्यक्ति, जिसको हम मेधावी कहते हैं, के प्राण सूत्रों को परिवर्धित करने पर उनके जैसे ही समान शरीर तैयार हो सकता है, वैसे ही चेतना भी तैयार हो सकती है, यह भी भ्रम सिद्ध हो गया। इसी के साथ व्यापार विधा में क्लोनिंग तकनीकी में जो विशेषज्ञ हैं, उनकी यह घोषणा अपने प्रतिरूप को प्राप्त कर लो भी अर्थहीन हो गई है। तो पहले ये मान्यता भी कोई अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति का एक इंच चमड़े से हजारों लाखों अरबों अच्छे आदमी को तैयार कर लेंगे, जब तैयार कर लेंगे कोई भी अपना संतान के रूप में अपना लेंगे, क्योंकि सभी अपने संतान को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में यत्न प्रयत्न करके देखा गया, इसमें अभी तक किए प्रयोगों में जिन भेड़ बकरी जीव जानवर के साथ प्रयोग किया गया, मानव के साथ प्रयोग किया, बहु वैसे ही नहीं हो पाए, आंशिक व्यतिरेक बना ही रहा। तो उसमें बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं कि विज्ञान में ये माना गया कि एक तो मस्तिष्क से ही चैतन्यता आती है, जो मन मानस की बात है ये मस्तिष्क में ही है, और जो जीन है, जो जेनेटिक कोड है जिससे पूरा शरीर बन रहा है, जिसमें मस्तिष्क भी एक भाग है, उसके लिए जीन या जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम उसी जेनेटिक कोड को हम रेप्लीकेट करेंगे, बार बार रेप्लीकेट करेंगे, तो ऐसे ही सिमिलर बॉडीज और सिमिलर ब्रेन्स बना पाएंगे टू गेट वैसे ही क्वालिटी। तो एक अच्छा व्यक्ति से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा व्यक्ति बना पाएंगे, ऐसा माना गया। तो इसी मान्यतावश
हिस्ट्री में आप लोग सब देखे होंगे, पढ़े होंगे, अमेरिका में भी ये माना गया कि हम रेस प्यूरिफिकेशन करेंगे, तो नस्ल के आधार पर जो एकदम सर्वश्रेष्ठ नस्ल मान के उनके सब बच्चों को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल में भेजेंगे, पर अगर समाज में कोई अंग विकलंग है या है ना कोई नारी को मान लीजिए कोई समस्या है या थोड़ा सा भी दिखे कि वो मेंटली स्लो है, मेंटल रिटार्डेशन है, इन सब लोगों को अलग किया गया और एक तरीके से उनको एक अलग कैंप में डाला गया और इस हद तक कि उनको लगा कि इन सबको स्टेरलाइज कर देंगे ताकि इनका बच्चे ना हो, इस तरीके से जो अच्छे रेस है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे कहीं आपको हिस्ट्री में फोटोग्राफ्स भी मिलेगा जहाँ ऐसे बच्चों को जो एकदम उनका परफॉर्मेंस अच्छा है और दिखने में सुंदर है उनको खड़ा करके फोटो लिया गया कि आगे सारे जनरेशन ऐसे ही दिखेंगे। तो ऐसा सब काम भी हुआ है और जर्मनी में जो हुआ ये भी हम सबको पता ही है, उसको फिर से बोलने की आवश्यकता नहीं। उसमें तो और एक स्टेप आगे चले गए कि पूरा रेस कोई खत्म कर दे जिसको उन लोगों ने कमजोर माना। तो ये सारा हिस्ट्री में हुआ है। तो पर आगे जाके मानसिकता में प्रोग्रेस भी हुआ है, लोगों ने ये भी बताया कि अब सिर्फ जीन से ही पूरा मेदस तंत्र जो बनता है सिर्फ उसी से नहीं है, वातावरण का भी प्रभाव है ना, वातावरण का भी प्रभाव जो उसके उसमें कुछ कुछ है, फिनोटाइप है, जीनोटाइप है, फिनोटाइप पे प्रभाव पड़ता है तो है ना प्रोग्रेस होता है। तो इसको इस सारा एपिजेनेटिक्स बोलते हैं जहाँ एनवायरमेंट का भी प्रभाव है। तो बेसिकली यहाँ जो मध्यस्थ दर्शन में जो अंतर है जो बता रहे कि जेनेटिक चेंज से जो ज्यादा से ज्यादा जो चेंज होगा वो शरीर में ही होगा, इसमें जीवन पे या चैतन्यता पे कोई भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये वाला जो चेंज होना है वो मानसिकता में होना है और ये शिक्षा से ही होगा। तो इन दोनों चीजों को बिल्कुल अलग कर दिया गया, मतलब इसमें ये स्पष्टता है। आगे बढ़ेंगे। कहां तक पहुंचे? तो इस मुद्दे पर यहाँ कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं कि शरीर रचना जैसा प्राकृतिक विधि से दोहरा रहा है वैसे दोहराया जाए, इतने मात्र से कोई बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि पंडितों के संतान मूर्ख और मूर्खों के संतान पंडित होता हुआ देखा गया है, इसको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। तो ये वाली बात हो चुकी है कि आगे बढ़ते हैं। जीवन ज्ञान जब तक नहीं होता रहा तब तक हम यह मानने के लिए तैयार थे, बाध्य थे कि वंश के अनुसार रूप गुण संस्कार होते हैं। इस प्रकार की मान्यता के साथ जातिवादी वंशवादी श्रेष्ठता की बहस और वकालत पहले चली। ये सब आज की स्थिति में टूट चुकी है। ब्रह्मवाद, आत्मवाद, जातिवाद, नस्लवाद, ये सभी वाद विवादग्रस्त हो चुके हैं। फलस्वरूप शंकाओं का घेरा बलवती होता जा रहा है। शरीर रचना के आधार पर चेतना निष्पन्न होने बहने का जो आश्वासन था वो भी विवादग्रस्त हो गया। अब आदमी कहाँ जाए, यही मुख्य मुद्दे की बात है। इसी 21वीं शताब्दी के पहले दशक तक, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक से शुरू हुई एक विकल्पात्मक प्रस्ताव, सहस्तित्ववादी विश्व दृष्टिकोण मानव को एक अखंड समाज के रूप में जाति धर्म समझ अर्थात ज्ञान विज्ञान विवेक और जीवन अर्थात चैतन्य इकाई में समानता, अक्षय शक्ति अक्षय बल के समानता और जागृति के स्वरूप में समानता को बोध कराने के लिए अध्ययन विधि प्रस्तुत हो चुकी है। तो इसमें ये मुद्दा फिर से रिटेट कर रहे हैं कि सहस्तित्ववाद में क्या प्रस्तुत है, ये एक विश्व दृष्टिकोण है, चैतन्य इकाई का प्रतिपादन है। चैतन्य इकाई जीवन जो है ये हर मानव में है और इसके आधार पर ही हम समानता को देख पाएंगे, क्योंकि जीवन इकाई समान है, अक्षय बल और अक्षय शक्ति है, इस आधार पर समानता है। और हर जीवन समझना चाहता है, समाधान चाहता है, जागृत होना चाहता है, इसमें समानता है। जागृति के स्वरूप में भी समानता है। तो इतने पॉइंट्स को यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं।
आगे बढ़ते इसी क्रम में जीवन तृप्ति और मानव तृप्ति की एक रूपता को पहचानने की आवश्यकता है, सार्थक बनाने की आवश्यकता है। इस विधि से अर्थात सहस्तित्ववादी नजरिया से मानव शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में विद्यमान है, प्रकाशमान है। ऊपर कही सारी कहानी के तात्पर्य में मानव शरीर में कोई विकास होना नहीं और शरीर में यह भी स्पष्ट हो गई है। इसके तृप्ति बिंदु को शोध अनुसंधान करते हुए अर्थात कर्म स्वतंत्रता का शोध अनुसंधान करते हुए सुखी होने की आकांक्षा ही है। इसी क्रम में मनाकार को साकार करना सार्थक हो गया। यह कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जीवन की महिमा है, ना कि शरीर की, क्योंकि शरीर प्राणावस्था की द्रव्य वस्तु प्रक्रिया से ही संपादित हुआ है। ये पूरा रचना प्राण कोशा प्रधान है। ये प्राण कोशाओं अपनी क्षमता से अधिक होना संभव नहीं है। मानव शरीर रचना के लिए जितना औकात स्थापित हुई वह यथावत दोहराता हुआ दिखाई पड़ती है। कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता मानसिकता जो सर्व मानव में देखने को मिल रहा है, यह मानसिकता मूल स्वरूप में जीवन जागृति की ही एक प्रक्रिया है। तो फिर से वो पॉइंट रिटेरेट कर रहे हैं कि जीवन तृप्ति और मानव तृप्ति होना है। ये प्राण कोशा में नहीं होगा, ये होने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि प्राण कोशा के हैसियत से ये अधिक है, ये कुछ और चीज है। क्योंकि कल्पनाशीलता के तृप्ति बिंदु और कर्म स्वतंत्रता के तृप्ति बिंदु है जो प्राण कोशा में नहीं मिलता, ये उसका फंक्शन ही नहीं है, तो प्राण कोशाओं में ये कैसे मिल सकता है? तो अपनी क्षमता से अधिक कैसे होगा? तो बेसिकली केमिकल और कॉन्शियसनेस अलग है ना। रासायनिक क्रिया बिल्कुल ही एक अलग चीज है, जीवन क्रिया बिल्कुल ही एक भिन्न चीज है ना। तो जो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है ये जागृति की प्रक्रिया है, कॉन्शियसनेस की एक प्रक्रिया है, कॉन्शियसनेस का फंक्शन है, और इसका बीज शरीर में मिल नहीं पाएगा। तो ये वाला पॉइंट मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे पॉइंट्स जो मध्यस्थ दर्शन में कहा जा रहा है इसको हमको जन चर्चा में, पब्लिक डिस्कोर्स डिस्कशन में लाने की बहुत आवश्यकता है। अगर हमें इस दर्शन को, जो मुझे लगता है कि अगर हमें इस दर्शन को स्थापित करना है, ये भी एक मुख्य काम जो बचा है। एक तो ऑफकोर्स हम लोग खुद समझे और हमारे में भी कुछ गुणात्मक परिवर्तन हो, और जो भी प्रस्ताव यहाँ रखा गया है उसको हम कैसे जन चर्चा में लाए, इन चीजों को एक पब्लिक स्टैंड पे लाए, ना उसका डेसिमिनेशन हो, इस पे भी हम सभी लोगों को सोचने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। जीवन में निरंतर संपन्न क्रियाकलापों में से मन एक क्रिया है, दूसरी क्रिया है वृत्ति जो विचार है, तीसरी क्रिया है साक्षात्कार चित्त में, किसी को समझने के लिए अर्थ स्वीकृति के लिए, अर्थपूर्वक वस्तु स्वीकृति के लिए जो प्रयोजित है, जैसे पानी शब्द के साथ ही पानी रूपी वस्तु को अस्तित्व में स्वीकारने की क्रिया या चित्त क्रिया है। इसी प्रकार बुद्धि में बोध क्रिया निश्चयता स्थिरता को स्वीकारने की अर्हता, इसी को दूसरी भाषा में सत्य धर्म न्याय को दृढ़ता पूर्वक स्वीकारने की क्रिया है। पांचवी क्रिया अनुभव क्रिया की महिमा नित्य समाधान, नित्य सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में सत्य को स्वीकारने, प्रमाणित करने और आनंद रूपी आश्वासन से परिपूर्ण होने की क्रिया है। ये पांचों क्रियाएं जीवन बल के रूप में कार्य करता हुआ स्पष्ट होता है। अनुभव ही प्रमाण है, इसका फलन आनंद है, जीवन स्वत्व है, इसको प्रमाणित करने के क्रम में संकल्प को परावर्तित करने के लिए चित्रण को सार्थक बनाने के लिए विश्लेषण को क्रियान्वयन करने के लिए चयन, तौर तरीका का चयन पूर्वक प्रमाणित करता हुआ मानव को पहचाना जा सकता है। इस विधि से ये पांचों परावर्तित होने वाली क्रियाओं को शक्ति नाम दिया गया। इसी बल को स्थिति, परावर्तित करने वाले क्रिया को गति नाम दिया है। इस प्रकार जागृत मानव का स्थिति गति जीवन क्रियाकलाप के आधार पर, अर्थात जीवन के स्थिति गति के आधार पर परस्पर पहचानने में आता है। शरीर रचना के अनुसार मानव का पहचान होता ही नहीं, ना कभी होगा, इसीलिए हमें जीवन में परिवर्तन पर ध्यान देना बनता है। परिवर्तन आज तक के प्रधान शोध अनुसंधान से साकार होने की गतिविधियां सुस्पष्ट हो चुकी है, शेष भाग
मन स्वस्थता है, उसे सत्यत्ववादी दृष्टिकोण से सुस्पष्ट होने वाली ज्ञान विज्ञान विवेक संपन्नता पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक मानव आकांक्षा और जीवन आकांक्षा को सार्थक बना सकते हैं, इसे हर नर नारी प्रयोग पूर्वक प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया ढंग से इसको बताया गया है कि एक तो जीवन क्रियाओं को संक्षिप्त में स्पष्ट कर दिया गया है, जो कि मुझे लगता है कि आज तक इतनी स्पष्टता से जीवन क्रिया को कहीं रखा नहीं गया है, ऐसे मैं मानती हूँ, है ना। तो साक्षात्कार, साक्षात्कार एक क्रिया है जो अर्थ को स्वीकारना, जैसे स्वभाव या मौलिकता को स्वीकारना, बोध क्रिया निश्चयता और स्थिरता को स्वीकारना, सत्य है ही मूल में धर्म और न्याय को स्वीकारना, अनुभव एक क्रिया जो नित्य सुख नित्य समाधान नित्य शांति संतोष आनंद के रूप में सत्य को स्वीकारना। तो ऐसे ये जो क्रियाएं है उसको बल कहा, और इसके आधार पर अनुभव के आधार पर जो संकल्प होता है, जब व्यक्ति में संकल्पित होता है उसके आधार पर आगे की चित्रण विश्लेषण है ना सारा परावर्तन होता है, इन दोनों को बल और शक्ति क्रिया को रखा ये बताने के लिए कि ये अक्षय क्रियाएं है, ये भौतिक रासायनिक क्रिया से बिल्कुल ही भिन्न क्रिया है ना। और क्योंकि अक्षय बल और अक्षय शक्ति जीवन में हर जीवन में है और यही समानता का आधार है, शरीर के आधार पर अगर आदमी या मानव को पहचानने जाएंगे तो ये कभी नहीं होगा, ये कभी हुआ नहीं है और आगे भी नहीं होगा, मन स्वस्थता के लिए काम करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। तो इस पूरे चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो मोटा मैसेज यही है कि जो भी काम अस्तित्व में होना था एक तरीके से पूरा हो गया, अब मन स्वस्थता का काम ही बचा है और हम सभी लोगों को उसी में लगना है, क्योंकि ये एक नेचुरल रिक्वायरमेंट है जीवन में, एक नेचुरल आवश्यकता है, और इसी आवश्यकता के लिए जीवन बार बार शरीर लेता है इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तो बस यही काम बचा है। नमस्ते। तो अगर कुछ सवाल है क्या? मानव शरीर सीधे सीधे आया या किसी अन्य जीव से आया, बताइए। ये तो एक तरीके से स्पष्ट ही है, सीधे सीधे आया मतलब कोई और इसके पहले जो भी ऑर्गेनिज्म रहा, इसके पहले जो भी प्राणी रहा उसी से आया होगा, है ना। तो ये बात हो गई कि अस्तित्व में हर प्रजाति जो भी बना वो क्रम से ही बना, और क्रम का मतलब है कि एक कोई स्थिति परिस्थिति या एक कोई रचना बनने के लिए उसका पूर्व कोई स्थिति परिस्थिति होना ही है, उसी से आगे की रचना बनती है। तो एक तो सारे ब्रह्मांडीय किरण ऊष्मा इन सब के संयोग में पानी अम्ल क्षार बना, इन सब के संयोग में रासायनिक द्रव्य बने, उन सब के संयोग में प्राण कोशिका बना, अलग अलग प्राण कोशिकाएं मिलकर कोई एक रचना बनी, वनस्पतियां बना, उन वनस्पतियों से ही आगे जीव संसार बना, उसी से आगे की स्थिति है मानव का शरीर, तो सारा क्रम से ही बना। मेदस का विकार कब शुरू हुआ? समृद्ध मेदस और समृद्धिपूर्ण मेदस में क्या अंतर है? मेदस का विकार कब शुरू हुआ ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है, विकार का मतलब से, और समृद्ध मेदस और समृद्धिपूर्ण मेदस में क्या अंतर है? ठीक है, जीवन और मेदस के बीच संकेतों का आदान प्रदान किस तरीके से होता है? अच्छा, जितना मैं इसको उत्तरित कर पाऊंगी प्रयास करूंगी। पहले वाला क्वेश्चन मुझे बहुत स्पष्ट नहीं है, अगर उसको फिर से प्लीज एक बार बता दीजिए। समृद्ध मेदस और समृद्ध पूर्ण मेदस जो दर्शन में जो दिया गया है उससे मुझे जो समझ में आया कि जीव अवस्था में जो मेदस का जो स्थिति है वो समृद्ध मेदस है,
और मानव में आते आते वो समृद्ध पूर्ण मेधस हो गया, क्योंकि वो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता दोनों को व्यक्त करने लायक एक संरचना बनी, जो कि जीवों में नहीं हो पाया। तो वो एक स्टेज है जहां पूरी तरीके से कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता व्यक्त नहीं हो पा रहा है। अगला एक स्टेज है जहां कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का पूरा 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 व्यक्त हो पाने लायक एक संरचना बनी हुई है, तो उस अर्थ में समृद्ध पूर्ण है वो, है ना। साइंस के आधार पर अगर देखे, साइंस के अनुसार भी ऐसे ही कुछ है उनके टर्म्स में, जो मेधस का तीन मुख्य भाग वो बताते हैं। और जो मेधस का एकदम ऊपरी जो सतह है जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा विकास हुआ है मानव के जो मेधस तंत्र में। तो इस तरीके से उसको समझ सकते हैं, जीवन और मेधस के बीच संकेतों का आदान प्रदान किस तरीके से होता है। इसको मैंने जो सुना है वो मैं बता सकती हूँ कि मेधस तंत्र जो है जीवन के ऊपर सिर वाले भाग में अंदर एक पानी में वो एक द्रव पानी को क्या एक लिक्विड में वो तैरता रहता है, और जीवन जो है उस जो रस जिसमें वो तैर रहा है उसमें वो कंपन वश उसमें कुछ कंपन पैदा करता है, जो मेधस तंत्र से निकला हुआ एक तो जो क्या बोलते हैं जो सेल्स का ही एक वो है, जैसे दो रेशा जैसा, वो इस कंपन को पिकअप कर लेता है और फिर आगे का जो संकेत है वो न्यूरॉन्स या सेल्स के द्वारा ही होता है, जैसे साइंस में पता जाता है। तो इसमें तो इतना ही मेरे पास सूचना है। घटनशील से घटनपूर्ण कैसा हुआ, कृपया डिटेल में समझाइए, उसमें ऊष्मा दबाव किरण और विकिरण का क्या रोल रहा और कैसे। इसको मुझे लगता है कि पहले दो तीन चैप्टर में खूब इस पे चर्चा हुई होगी, क्योंकि पूरा विकास क्रम का चर्चा है। तो कृपया उस ऑडियो उस वीडियो को सुन लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है अजय भैया ने इसको एक एक मतलब पूरा क्रम से इसको बताया गया हो, तो अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगी। साक्षात्कार बोध अनुभव में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तो बहुत अलग एक टॉपिक हो जाएगा, पर अभी इस जो चैप्टर के अंतर्गत जो बताया गया है उसमें ये है कि जो तीन चार शब्दों में इसमें जो बाबा जी रखा है कि साक्षात्कार जो है वो निरंतर रहने वाली चीजों की पहचान है ना। तो स्वभाव का मौलिकता का ये साक्षात्कार हो गया क्रिया। बोध जो है न्याय और धर्म को और व्यवस्था को जो पहचानने वाली क्रिया है, और अनुभव जो है एक तरीके से व्यापक में अनुभव होने की क्रिया है, जो कि तृप्ति वाली क्रिया है, और ये सत्य को पहचानने वाली क्रिया। तो संक्षिप्त में इतना ही अभी रखूंगी। इट मे बी विकास, अच्छा वापस उस क्वेश्चन पे जाएंगे, मेधस का विकास कब शुरू हुआ। अच्छा इसको अगर देखे तो जो जो भी एक ऑर्गेनिज्म में एक तरीके से सेंट्रल पॉइंट से कंट्रोल होता है, मतलब अगर आप प्राणावस्था के इकाइयों या पेड़ पौधों को देखे, ऐसा नहीं लगता कि कोई एक सेंट्र ओ ये एंड स्ट्रीम बता रहा है ठीक है, एनीवे कोई एक सेंट्रल भाग से उसका पूरा चालन संचालन हो रहा है ऐसा नहीं लगता। पर अगर आप कीड़े मकोड़ों को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक कोई सेंट्रल, वैसे पूरा मेधस वहां बना नहीं है, पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म चालित संचालित होना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है स्वेदित संसार से ये वाला भाग शुरू होने लगता है, और पूरा जो मेधस तंत्र बनता है वो जीवावस्था में बनता है। धन्यवाद, मुझे लग रहा है समय का भी वो हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।